विधानसभा में विस्फोटक पीईटीएन मिलने के मामले में जहां एनआईए देर रात विधानसभा पहुंची और अपनी जांच तेज करते हुए अब एनआईए होटल आर्यन में विधायकों के जितने भी करीबी पिछले एक महीने में आए हैं उनकी जानकारी जुटा रही है। बता दें कि रात 2 बजे तक राज्य संपत्ति विभाग खुला रहा और गेस्ट हाउस और सरकारी आवासों में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अब एनआईए ने अपनी जांच भी तेज कर ली है और होटल आर्यन में एमएलए के करीबियों के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार कितने लोग आए हैं इनसे मिलने और कितने लोग यहां ठहरे हैं। पिछले एक महीने से आए लोगों के बारे में पूरी छानबीन की जाएगी, उसके बाद जांच किस ओर जाती है ये देखा जाएगा। और हम आपको बता दें कि रात 2 बजे तक खुला रहा राज्य संपत्ति विभाग। तो पीएटीएन मिलने के मामले में अब जांच जो है वो तेज हो गई है और कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जांच तेजी से हो और पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये किसकी साजिश थी। तो पिछले एक महीने में आए लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी। और इसी खबर पर हम